प्लाईवुड बिजनेस कैसे शुरू करें। प्लाईवुड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लोग प्लाईवुड के फर्नीचर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। बेड हो या सोफा, डाइनिंग टेबल हो या कंप्यूटर डेस्क, हर चीज में लकड़ी यानी प्लाईवुड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस प्लाईवुड के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। बस इस बिजनेस को करने के लिए आपको मार्केट की अच्छी जानकारी और अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको प्लाईवुड बिजनेस से जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे जिससे आप अपने प्लाईवुड के बिजनेस को आसानी से शुरू कर पाएंगे। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक सक्सेसफुल प्लाईवुड व्यवसाय शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम प्लाईवुड से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। प्लाईवुड बिजनेस के लिए जगह। एक प्लाईवुड बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेसमैन को एक बड़ी जगह की जरूरत होती है, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कम से कम 5000 वर्ग फीट या उससे भी अधिक जगह की जरूरत पड़ती है। यदि आपके पास खुद की जमीन है तो आप इस बिजनेस को वहीं शुरू कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए आप किराए पर भी जगह ले सकते हैं। प्लाईवुड बिजनेस के लिए जरूरी मशीनरी। स्पिंडल लेस पीलिंग मशीन, हॉट प्रेस मशीन, डिपिंग मशीन, ब्रश सैंडिंग मशीन, लॉग वुड डीपार्कर, थ्री डेक फोर सेक्शन का रोलर विनियर ड्रायर, स्टील वूल, लिफ्ट लोडिंग और अनलोडिंग सीजर, ग्लू मिक्सचर, ग्लू सेपरेटर, कैंची, ट्रॉली, पेडल चॉपर, कोर ड्राई प्रेस, डीडी सॉ मैनुअल, जनरेटर। प्लाईवुड बिजनेस के लिए जरूरी कच्चा माल। इमारती लकड़ी, कोर, गोंद। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। प्लाईवुड बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी पड़ती है, जैसे अपने बिजनेस के नाम का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक में चालू खाता खोलने की जरूरत और बिजनेस के नाम से पैन कार्ड बनवाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उद्यमी को फैक्ट्री लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस भी लेना होता है, जो आपको आपके निकट के नगर निगम और नगर पालिका से मिल जाता है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट लेना होता है और साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बिजनेस और जमीन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि छोटे स्तर पर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पर अगर बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इस बिजनेस में कुल इन्वेस्टमेंट लगभग 20 से 50 लाख तक होता है। प्लाईवुड बिजनेस से होने वाला मुनाफा। प्लाईवुड बिजनेस में मुनाफा आपके द्वारा लगाई गई लागत पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रॉफिट। साथ ही ये मुनाफा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। अगर आप अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो आपके कस्टमर का भरोसा आपके ऊपर मजबूत हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपसे जुड़ जाएंगे। इस तरह आप दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई करेंगे। प्लाईवुड बिजनेस की मार्केटिंग और प्रमोशन। हर बिजनेस की तरह प्लाईवुड बिजनेस की भी मार्केटिंग और प्रमोशन करने की जरूरत पड़ती है। इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन से बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अपने प्लाईवुड बिजनेस का प्रमोशन आप न्यूज़पेपर, पैम्फलेट आदि के जरिए कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा भी आप अपने प्लाईवुड बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये थी प्लाईवुड बिजनेस की पूरी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।